हेलो हाउ आर यू, कैसे हो सिद्धल भाई? क्या तुम लिख रहे थे, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लिख रहे थे, सीख रहे थे पीडीएफ में से, देख देख पीडीएफ में से देख देख। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बढ़िया रहना। सो दोस्तों, बज रहे अभी सुबह के 6 और आज वैसा हो गया लेट, क्योंकि अकरम भाई के घर पे कल रात पे गए थे तो वहाँ से ही लेट आए थे। अभी क्या कर सकते, हो गया। तो जा रहे कॉलेज, आज है आईटी का पेपर, ठीक है, आईटी का एग्ज़ाम है। और वैसा आज अंधेरा ही अंधेरा है, गली में अंधेरा ही अंधेरा है, देख रहे हो। कभी पीछे की साइड तो मतलब लाइट वगैरह है हमारे घर के पास तो, पर यहाँ पर नहीं है, तो मुझे आराम से देख के चलना पड़ेगा। गाड़ी सब कैसे ही पड़ी हुई है, ये बाइक और ये सब यहाँ पे अंधेरा अंधेरा है। बट कोई ना, अब चलते हैं और देखते आज कौन सी बस हमें पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। वो थी, उसमें ग्रुप था पूरा, तो उसमें ही चले जाते थे, लेकिन अभी क्या पता क्या कर सकते। और कोई ना, चलो चलते हैं बस पर। आज मतलब थोड़ा काम भी है और साथ ही साथ जो है अक्रम का थोड़ा बहुत सामान भी लाना है शादी का, तो उसी के लिए थोड़ा जल्दी भी आना है, थोड़ा लेट भी आना है। आते आते आई थिंक सो मुझे 12:30 आराम से हो जाएगा। तो क्या पता, मुझे ना बस पोर्ट के पीछे, राजकोट बस पोर्ट के पीछे अक्रम का ब्लेजर वगैरह लेने जाना है। तो आज देखते कि वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्या है क्या नहीं, मतलब ब्लेजर वगैरह किधर दिया है। हालांकि उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह तो दिया है, बट क्या ही कर सकते हैं, मिले नहीं मिले, लाना ज़रूर है भाई साहब। अब सारी उम्मीद है हम पे, तो लेके आएंगे और क्या। बाकी यार क्या कर सकते हैं, अब चलते हैं बस पोर्ट। और रात तो लेट ऐसे ही हो गया। सुबह सुबह में 8 बजे पहुंच गए, मतलब कॉलेज थोड़ा दूर है हमारे से। और आदि भाई वगैरह जा रहे हैं, आज आदि भाई को भी लेट हो गया था। हाँ, आज भाई साहब आदि भाई को भी लेट हो गया था, मुझे भी लेट हो गया था, कुमार भाई को भी लेट हो गया था। नहीं तो आज मैं आधा घंटा लेट हूँ, बट मैं आधा घंटा जल्दी आ जाता हूँ, 7:30 बजे तो मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, है ना। और आदि भाई को यार क्या पता क्या हो रहा है, जा ही रहे फास्ट एंड फास्ट, जा रहे एकदम फास्ट। और मेरी भी एग्जाम वगैरह है, लेकिन हाँ मेरा तो आधा घंटे बाद पेपर है, चलते रहता है। बाकी चलते कॉलेज में, आज आईटी का है तो 1.5 घंटे में तो हम फ्री हो जाएंगे आईटी के लेक्चर में, ठीक है। उसमें कंप्यूटर वगैरह का ही रहता है, तो उसमें शास्त्री मैदान पे तो पहुंच गए थे, कॉलेज यहाँ से 5 मिनट है बस, 5 मिनट। नवाज भाई, आज तो मैं भी नवाज भाई के साथ हूँ, है ना, हम दोनों साथ में पहुँच गए, मुझे भी लेट हो गया। ये तो इनका टाइम ही है, लेकिन मेरा टाइम अलग है, अलग है, आज मैं अलग हूँ, अलग है। रकीम किधर है? रकीम कमिंग सून, वो भी कमिंग सून पे। कमिंग सून, 8:00 बज गया फिर भी तुम कॉलेज नहीं पहुंचे, अब शर्म आनी चाहिए तुम लोग को यार। कोई ना यार, चलते रहता है, चलते कॉलेज, मिलते आपको सीधा कॉलेज में। आज कॉलेज में तो पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद माफिया, दिस इज माफिया, कैसे हो? एकदम बढ़िया। क्या बोल रहे हो? माफिया है कौन? ढोलकपुर का माफिया है। ढोलकपुर क्या ही ऊपर है? नहीं, कुंडलिया का माफिया है। कुंडलिया का? नहीं, मत करो, फिर भाग जाएगा, यहाँ से भी भाग जाएगा। कल के ब्लॉक में भी भाग गया था, भाग गया था। जब वो भी बुला रहे कौन? पर्पल हुडी। आज आई टी का संभाल लेना है, जगह चेंज कर लेना जगह। क्या बोलते हो, आर वर्फा है कि नहीं? आएगा देर से पढ़ाएंगे देर से, लेकिन हमारा तो काम है डेली का, आते टाइम ही बैठो मस्त अपनी बेंच पे। और उमेश भाई भी, ये भाई तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे? मूवी डाउनलोड। अभी जाना पड़ेगा क्लास में, क्लास में तो आ गया था, बट यहाँ पे सबकी डिस्कशन वगैरह चालू हुई। इतना क्या डिस्कशन कर रहे हो? वो तो छुप जाता है वो। ओ वासु,
क्या डिस्कशन हो रहा है? पेपर लिखने के बाद आईटी का है ना, तो 25 मार्क में क्या लिख ली? और दमा कैसे हो, कैसे हो? अब कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया। हाँ इतना इतना सारे इन लोग का डिस्कशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 25 मार्क का पेपर है लेकिन अभी भी इन लोग का डिस्कशन चालू है। 8:20 और यहाँ पे सबका डिस्कशन चालू है, क्या हो रहा है क्या नहीं। और इन लोग धमा भाई, और धमा भाई क्या प्रिपरेशन के नहीं? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा 100 का 100। ओ भाई साहब, आज काम खत्म है, उतना भी नहीं होगा, इन लोग का डिस्कशन यहाँ पे अभी भी चालू है। ओए लड़ाई मत, अरे देवा लड़ाई क्यों करता है? लड़ाई करने आता है यहाँ पे? करण भाई समझता ही नहीं है। करण भाई, करण भाई यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कंप्यूटर में जी करू है करिए को। हाँ यहाँ पे इन लोग का डिस्कशन अभी भी चालू है। हम आ गए अपने पर्सनल क्लास में और ये भाई सब दोनों के दोनों यहाँ पे लड़ रहे। काय लड़का रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, इसकी शादी थे, हमने कहा भी नहीं। परसों उसकी शादी है। कब? परसों उसकी शादी है। झूठा है देख, इसीलिए मुंह छुपा रहा है। देख उसकी शादी है। झूठा है जब भी नहीं, झूठा है जब भी मुंह छुपा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? इसको अब क्या ही बताए, जब भी मुंह छुपा रहा है। एक्चुअली गाइस हमारे भाविक भाई की ना शादी हो रही है, मतलब होने वाली है, तो हम उनके बेस्ट फ्रेंड, हम चलो बेस्ट फ्रेंड नहीं, हम एज ए फ्रेंड तो समझते हैं, फ्रेंड समझते हैं। मंगनी भी हो गई और शादी भी होने वाली है, हमें बताया भी नहीं और मुंह छुपा रहे भाई साहब, देख रहे हो आप? तो अब क्या किया जाए? शादी में क्या हुआ? वापस एंट्री मारो वापस से। एक ही बार होती है, एक ही बार होती है बार, और 10 सेकंड पीछे भी होता है यूट्यूब पे, होता है कि नहीं विशाल भाई? होता है तो है भाई साहब, करो वापस से। मैं सीरियस हूँ, मेरी शादी होने वाली है, मैं सीरियस हूँ। एग्जाम देना है, शादी करने है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाविक भाई सॉरी विशाल भाई, एग्जाम के टाइम में शादी तय कर ली है। अब घर वाले ने कर दी तो क्या कर सकते हैं, वो बात तो सही है। हम बैठे मस्त, हमें तो कोई ऐसा टेंशन ही नहीं है विशाल भाई। हाँ वो सारा का सारा ग्रुप कौन सा? अभी थोड़े बहुत जो है क्लास में स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं और यहाँ पे इन लोग आ रहे हैं, देखो क्या 5 मिनट या 10 मिनट के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, लेकिन किसी को भी कुछ पड़ी नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं भाई विशाल भाई, सब अपने अपने में लगे पड़े एग्जाम है, एग्जाम से सब कुछ लग ही नहीं रहा है। इन लोग को एग्जाम की पड़ी ही नहीं है, इन लोग को एक्चुअल एग्जाम की पड़ी नहीं है। इसको ही देख लो ना, इसको ही पढ़ाई कर ले, पढ़ाई हो चुकी हमारी खत्म और क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो अब चलते हैं नीचे। और नीचे क्या थोड़ा ना अक्रम भाई को ब्लेजर वगैरह लेना है, अभी लेने के लिए जा रहे हैं, हर सब को पूछ के। और ये काम है, ओ सेठ एक ब्लेजर लेना है मेरे को, भूतखाना चौक से खाली लेके आना है, खाली ज्यादा कुछ काम नहीं है। मैंने दूसरे के थ्रू काम करवाया था, कैसा गया? एकदम बढ़िया, एकदम काम खत्म। अब तो चलो चलते नीचे, हमारा काम करते कि नहीं आज देखने वाली बात। कॉलेज के बाहर आने के बाद कितना लिख, क्या मुंह बना रहे हो? पानी, अच्छा पानी पी रहे थे, लिखा कि नहीं बराबर? आपने देखा है इतना लिखा, हमको कुछ नहीं आ रहा, हमने भगवान जी की कृपा। हम तो यार सपोर्ट करते हैं हमारे ग्रुप वाले को, हमारे साथ जितने भी बैठे हम सबको हेल्प करते हैं। मैं मना ही नहीं करता, इनको पूछो, व्यसन को कुछ नहीं है, नहीं सुधर पाता, हम क्या हम करे तो करे क्या, पर पूछो इनसे। मैं तो इनको सामने से लिखवा रहा था, लिख लो। तो सर सर बोलेंगे कि ये बंदा कौन है, ये दर्शन को कुछ आता नहीं है, ना ही सुधर को पीछे में। दो दो लाइन के आंसर में मैंने छह छह सात सात पेज लिखी है, बताओ। अभी भी बॉल पेन साथ में, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ देख। बाकी का ग्रुप खड़ा है सामने की ओर, उनसे भी बात करते हैं।
कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे यहाँ पे इन लोग सब लोग लिखा के नहीं? नहीं नहीं गाना नहीं सुनना है, तुम सुनो। हेलो हाउ आर यू, कैसे हो सुजल भाई? क्या तुम लिख रहे थे, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लिख रहे थे सीक्रेट पीडीएफ में से, देख देख पीडीएफ में से देख देख, हम दोनों लिख रहे थे। अच्छा तुम्हारा भी नाम दे रही है? तो मैं इसमें से लिख रहा था, पीडीएफ में से नहीं। और तुम्हारा तो हुआ तो सेम ही हुआ ना, मैं थोड़ी ना चोरी। वो पीडीएफ में से लिख रहा था, तुम उसमें से देख रहे थे, सेम प्रोसेस ही हुआ? सेम नहीं हुआ, गलत बात है। तूने लिखा कि नहीं कवि? 100% फेल। ये तो जब भी देखो एटीट्यूड में ही रहता है, इतना एटीट्यूड का दिख रहा है बेटा, मार खाएगा मार, मार खाएगा मार, समझ रहा है? ज्यादा एटीट्यूड नहीं, आवाज एटीट्यूड नहीं जाएगा क्या, समझ गया ना? एटीट्यूड रखना पड़ता है भाई 100%, लेकिन थोड़ा बहुत रखना पड़ता है क्योंकि लड़कियां जी नहीं देती एटीट्यूड। हां जी भाई, हमारे आए हुए और कैसे हो? कैसे हो? और कैसे मौज में? एकदम बढ़िया है। राजू भाई और कितना लिखा तुमने? कितना लिखा? कितना? एक सफली भर दी। एक सफली, वाह। चलो कोई ना, चलो बाय 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 बाय। अब जा रहे बाहर। और हमारे वासु लिखा कि नहीं तुमने? मैं सबको सुबह में यही यही पूछ रहा हूँ कि लिखा नहीं लिखा, लिखा नहीं लिखा, सबको छोड़ कर सब लिख दिया मोबाइल कॉल कर। इसने लिख दिया, मैंने सिर्फ नाम ही लिखा और कुछ। चंगू मंगू को लेना पड़ता है, क्या करें? चंगू मंगू, अरे यार अब सपोर्ट करते तो क्या कर सकते, बताओ अपने को सपोर्ट कर। आते ही समय मेरे को बोल रहे कि तुम मेरा ब्लॉग बना दो, हम घर जा रहे। ठीक है, नंबर ले ली दो, ब्लू कलर में नाम है, जो ली दो व्हाट्सएप जो है, तुम्हारा फोटो आया है रली ना, थंबनेल में बोला उसमें पूछने का क्या रख देना ना। अरे एक काम करना अरफात भाई, आईडी भूत खाना चौक पे मेरे को लेना है यार, समझो यार, क्या लेना है? और एक ब्लेजर लेना है दोस्त का, क्या ये भाई तुम्हें भूत भूत खाना चौक वाले लेके बाइक लेके आयो तुम? एक काम है यार मेरे को, क्या भूत खाना चौक काम हो गया, फिर वहाँ से बस स्टैंड चले जाऊंगा। क्यों उपाधि करते हो तुम? टेंशन देखा नहीं है, वही तो सबसे बड़ा टेंशन है। बाकी चोटीला में आ जाओ, कोई भी गली तुम बताओ, लेके जाऊंगा दो मिनट में, खाली दो मिनट। काम नहीं करे ना, चोटीला की बात कर रहे हो। तुम्हारा तुम्हारा काम की नहीं, वो अनिल को तो बताया तुम्हारा काम, अब अनिल नहीं करे तुम बोला क्या? 900 महीने की वारंटी, क्या बात कर रहे हो? गलत निकाल दे देगा भाई साहब, पैसे का बोम तो अरफात भाई मेरे पे फोड़ रहे, बोले आधा मैं दे तो नहीं। अरफात भाई ये बता रहे कि आप जो है 1000 रुपीज दे दो, बाकी का मैं दे दूंगा, अभी पेमेंट हो रहा है उनका 950। कौन सा तुम्हारा कौन सा तुम्हारे को निकालने का आया बताओ? अब तुम बोले कि 1000 रुपया तुम दे दो और बाकी का मैं दे, पेट्रोल पानी नहीं लगे तो 10-10 जाना पड़ेगा। 10-10 नहीं, वो तो ला के दे देगा, तुम 950 दे दो तो मैं 10-10 से मंगवा लेता, उसका जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। हाँ दे दो, मैं जस दिन से मंगवा लूंगा, जस दिन से जब भी 950 रुपीज आप दे दो, बाकी का मैं समझ लेता हूँ जो भी होगा, 500 हजार 2000। कोई ना यार, अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या इन लोग का अभी भी डिस्कशन चालू है यार, क्या ही बता सकते हैं। मैं अरफर पे जा रहे हैं कुछ काम से बाहर, एक्चुअली यार अरफर पे को ना घड़ी वगैरह लेनी है तो वही देखने के लिए जा रहे हैं, अब देखते क्या होता है। आ गए थे कॉलेज के पास, अभी भी दुकान बंद है तो आधा घंटा और रुकना पड़ेगा, आधा पौना घंटे के बाद तो मैं जाता हूँ ऊपर। वो मोहित बैठा है ना ऊपर, मोहित बैठा, मोहित के पास जा रहा हूँ, मिलते आपको मंडे को। ओके ब्रदर, क्रिपल डॉन, क्रिपल डॉन नहीं मेरा डॉन, तुम्हें से डॉन चला गया ये हमारा क्यूट। तो गाइस फाइनली बस मिल गई हमें और जा रहे हम घर, आज जल्दी छूट गए थे, आज कुछ काम नहीं था है ना, और ऊपर से आज बस भी नहीं है भाई साहब, देख रहे हो बस भी नहीं, और बादल भाई और हमारे डॉक्टर साहब
बट कोई ना, चलो चलते हैं घर, मिलते हैं आपको सीधा घर पे। तो गाइस मैं कॉलेज वगैरह से आ चुका था और बस ऐसे ही जो है घर पे जाना मुझे। तो अब तो करते क्या, लोग आपको पसंद आए, वो पसंद है तो लोग को लाइक से कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी मेजर लोग के साथ, टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।